हेलो एवरीवन, देखिए स्टीम इंजन के बारे में पहले डिस्कस करने से पहले एक हम लोग एनिमेशन देख लेते हैं कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है, ताकि जब हम लोग थ्योरी पोर्शन पे जाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम कब किस पार्ट के बारे में हम बोल रहे हैं और या तो किसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए, इस ये जो पोर्शन है, ये जो स्टीम इन है, मतलब कि इस तरीके से आपका स्टीम इनलेट होगा, ठीक है। और ये जो स्लाइड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइड वाल्व बोलेंगे, ओके। तो अब थोड़ा सा ध्यान से ये जो पार्ट्स है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये जो सेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक सेक्शन। देखिए इसेंट्रिक का मतलब होता है कि देखिए ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ये आप देख रहे हो जो घूम रहा है, ठीक है, ये जो कनेक्टिंग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक रॉड बोलेंगे, ठीक। ये जो रोटेशनल मूवमेंट है उसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और जो कि एक प्रॉपर एक सेंटर पे काम नहीं कर रहा है, वो अपना जो सेंटर है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो नाउ ये जो अब देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे पिस्टन, जो ये मूव कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पिस्टन। और यहाँ पे जो ये एक बार रेड और एक बार ये ब्लू टाइप का हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टीम चैम्बर, या तो स्टीम इंजन का जो चैम्बर है वहां पे, ठीक है। और ये जो है ये जो यहाँ पे जो स्लाइड हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्लाइड वाल्व। इस पॉइंट से हमारा जो स्टीम होगा, स्टीम का एंट्री होगा, जो हमारा ये जो रेड कलर का होगा, इसका मतलब हॉट स्टीम, मतलब कि जो हाई टेम्परेचर स्टीम, ठीक है, बिफोर वर्किंग, काम करने से पहले हमारा जो स्टीम है उसका कंडीशन हम रेड से दिखाएंगे, और काम करने के बाद जब स्टीम एग्जॉस्ट होगा उसको हम लोग दिखाएंगे, ये जो ब्लू पार्ट हो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। अभी देखिए काम किस तरीके से हो रहा है, स्टीम इस तरह से इनलेट हो रहा है, ये जो स्लाइड वाल्व है ये स्लाइड करके एक तरीके से एक साइड पे आपका ऑन करता है, एक साइड पे ऑफ करता है। अभी ये जिस साइड पे रहता है उस साइड को ऑफ कर देता है, मतलब क्लोज कर देता है स्टीम का एंट्री, और एक साइड को ओपन कर देता है। तो मान लेते हैं अगर इस साइड से अगर स्टीम आ रहा है, ठीक है, अगर स्टीम आ रहा है तो ये यहाँ पे स्टीम पिस्टन को इस तरफ खींचेगा, ठीक है, इस तरफ धकेल देगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जब इस तरफ पिस्टन को धकेल देगा, देन इस पार्ट पे आपका क्या होगा, स्टीम का नेक्स्ट बैच के लिए स्टीम एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरफ धकेल रहा है, और इसका जो लास्ट में जो काम कर रहा था, जो स्टीम काम करके चला गया, लाइक ये स्टीम इनलेट हुआ, देन आपका ये इस तरफ इसको इस तरफ भेज दिया, मतलब जो पिस्टन था पिस्टन को बैकवर्ड पे भेज दिया, देन ये काम हो गया, देन ये कूल हो जाएगा। कूल होने के बाद ये अपने एग्जॉस्ट ले लेगा इस एग्जॉस्ट पॉइंट से, जो कि हमारा इस पॉइंट से एग्जॉस्ट होकर चला जाएगा। तो और बाकी ये हमारा क्या है, व्हील्स वगैरह है, जो कि हमारा जो स्टीम है, स्टीम का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, उस प्रेशर से हम लोग पिस्टन को मूव करवा रहे हैं, और पिस्टन फर्दर जाके किसको मूव करा रहा है, जो हमारा फ्यूल्स वगैरह है। तो इस तरीके से जो स्टीम से, मतलब कि जो हमारा स्टीम का जो हीट था जो एक्सपेंड हो रहा है, इस हीट एनर्जी से हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। और हीट इंजन का जो बेसिक फंक्शन है कुछ इस तरह का होता है। नाउ बाकी जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन रॉड बोलते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।